हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है AAI की तरफ से। ATC की रिक्रूटमेंट, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कस करने वाले। तो अगर आप भी हो इसके लिए इंटरेस्टेड तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम की पैटर्न, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, AAI में जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि AAI क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर वैकेंसी आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC। ATC का मतलब क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के लिए आई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो 496 सीट्स के लिए आपकी वैकेंसी आई है। रही बात की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, तो योर फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 नवंबर 2023। मतलब कि 1 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपका है 30 नवंबर 2023। आपको 30 नवंबर का वेट नहीं करना है, 1 नवंबर से जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना। अदरवाइज फर्दर आपको ना जो होता है सर्वर इशू वगैरह वो फेस करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि फॉर्म की फी क्या रखी गई है। जनरल OBC और EWS से लिया जाएगा 1000 रुपीज। अदर कैंडिडेट से कोई सा भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा फॉर्म की चार्ज, बस जनरल OBC और EWS के लिए चार्जेज है, इतना ध्यान रखना है। एज लिमिट की रही बात, तो योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 30 नवंबर 2023। मिनिमम एज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मैक्सिमम आपका 27 इयर्स के जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, OBC को मिलता है 3 इयर्स का, SC ST को मिलता है 5 इयर्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। उसके बाद रही मेन इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्या है वो क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसमें आपको सिंपली देखो, ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ, मतलब कि फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए रखा गया है 199 सीट्स, OBC के लिए 140 सीट्स, EWS के लिए 79 सीट्स, SC कैंडिडेट्स के लिए 75 एंड ST के लिए 33 सीट्स रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इन पोस्ट्स के रिगार्डिंग आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि पहले आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका वॉइस टेस्ट होता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है तो इसमें आपको ना वोकल जो होता है ना अनाउंसमेंट वगैरह करनी होती है, वो आपको करना होगा, इसलिए आपका वॉइस टेस्ट लिया जाएगा। देन होगा आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए, ज्वाइनिंग लेटर के बाद की प्रोसेस नहीं जानेंगे, पहले जानेंगे कि क्या आप करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे। तो पहला तो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम जो होता है आपका 120 क्वेश्चन का होता है, 120 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स, विच मीन्स कि 2 घंटे के टाइम में आपको 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए आपको टैकल करना होगा। निगेटिव मार्किंग की बात रही तो यहाँ पर कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो अब देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 2 पार्ट में इसको बांट दिया जाता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से, तो पार्ट बी में स्पेशली उन दोनों जो होता है ना सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। चलिए पहले पार्ट ए समझ लेते हैं। पार्ट ए में आपको GK या CA, मतलब जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए,
इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी में आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए एंड मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल आपकी एग्जाम की पैटर्न यही होने वाली है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद डीवी वॉइस टेस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद आपको जब ज्वाइनिंग होगी तो सैलरी क्या दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसके रिगार्डिंग आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 40,000 से स्टार्ट किया जाता है, हाँ हाई होते रहता है पर ईयर इंक्रीमेंट के बाद, तो आपका 1,40,000 की सैलरी हो जाती है आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड पर ईयर ऑफ इंक्रीमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर आपका जो पेपर रखा गया था जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की पोस्ट के लिए, उसमें आपको कट ऑफ क्या गया था, मतलब आउट ऑफ 120 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जनरल का है 94.75, ओबीसी का 91, ईडब्ल्यूएस के लिए 90.83, एससी का 86, एसटी का 82 एंड पीडब्ल्यूडी विच मीन्स कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस का 68.16 यहां पर कट ऑफ गया था। सो आई होप कि आप कट ऑफ भी समझ गए होंगे और इस कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी की स्पीड को कंटिन्यू करेंगे और जो मॉडल पेपर होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको आप जरूर बनाया करो। रही बात कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये जो पार्ट रहेगा आपका जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम दिए होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। हाँ यहाँ पर स्पेशली है कि फिजिक्स मैथ रहेगा और जीके का भी क्वेश्चन रहेगा। सो आई होप कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करोगे, फॉर्म भी अप्लाई करोगे अगर आपको इंटरेस्ट हो आपको आगे करना हो तो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आप इसका नोटिफिकेशन कहाँ पर देखोगे, तो वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक दे दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट की वीडियो के साथ। टिल देन Stay tuned. Bye-bye. Take care.